वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनी 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन मैंने आपसे कहा कि सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 बाइबल हमें बताती है कि किस तरह से दाऊद जो छोटा बालक था वो गोलियत से जाकर भिड़ गया और परमेश्वर ने उसको वहां पर विजय दिलाई। तो वचन 31 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि लोगों ने दाऊद की बातें सुनकर साउल को इसके विषय में बताया, तब साउल ने उसे बुला भेजा और दाऊद ने साउल से कहा कि उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने साउल को उत्तर दिया, आपका यह दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था और कोई सिंह या भालू आकर झुंड में कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता था, और यदि वह मेरा सामना करता तो मैं उसकी अयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता था। आपके दास ने तो सिंहों और भालुओं को भी मारा है, इस बेखतना फिलिस्ती के साथ भी ऐसा ही होगा। दाऊद को इतना विश्वास था प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था, इसलिए वो परमेश्वर के नाम पर आगे बढ़ता है। तो जब दाऊद जिद करने लगता है तो साउल उससे कहता है, पद संख्या 38 में, तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखा और उसे कवच पहनाया, अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वह चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा कि मैं इन्हें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है, और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया, उतार दिया। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए, तब वह हाथ में ढेलवास लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया क्योंकि वह किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए हो? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा कि मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने के लिए आ रहा हूं जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा और मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तीनियों की लाशें खिलाऊंगा।
जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सारी दुनिया ये जान जाएगी, सारी दुनिया ये जान जाएगी, इज़राइल का कि इज़राइल का अपना ईश्वर है, अपना ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले के द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। बोलिए आमेन, आमेन। ये था दाऊद का साहस, प्यारे भाइयों और बहनों, जो सच्चे परमेश्वर का आराधक था, जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता था। आज अनेक लोग जो अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, डरने लगते हैं और परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते, इसलिए वो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। और आगे का वचन यदि आप पढ़ेंगे तो प्यारे भाई प्यारी बहन, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने अपनी झोली में से एक चिकना पत्थर निकाला, उसे ढेलवास पर लगाया और उसे खूब तेज घुमाया, और घुमाने के बाद उसे उस गोलियत के जो भीमकाय व्यक्ति था, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके माथे पर दे मारा और वो वहीं पर ढेर हो गया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 इस बात का प्रमाण है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात जो घटना हम सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 38 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा, मेरी ओर से युद्ध लड़ेगा। क्या कोई किसी पत्थर से मर सकता है? क्या कोई चिकने पत्थर से मर सकता है? नहीं प्यारे भाई और बहनों, शायद ये मुमकिन ना हो, शायद हमें इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने उस एक चिकने पत्थर को लिया और उसे गोलियत के माथे पर दे मारा। अनेक स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस और जो वचन की व्याख्या करते हैं, जो इसमें निपुण हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों प्रेरित करता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, और यदि हम बहुत गहराई से इन्हें सोचें और इसका मनन चिंतन करें, तो ये पांच चिकने पत्थर प्रभु के पांच घावों का प्रतीक माने जा सकते हैं, जो कि नई व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों, जब सलीब पर प्रभु चढ़ गया, योहन के सुसमाचार में हम पाते हैं कलवरी की यात्रा करते करते जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथ और पैरों में कील ठोंके गए और उसकी बगल में बर्छी मारी गई और पांच बड़े घाव उनके शरीर पर दिए गए। और इसके विषय में यशायाह नबी ने अध्याय 53 में पूर्व से ही भविष्यवाणी की थी कि हम उसके घावों के द्वारा चंगे हो गए हैं। तो जब परमेश्वर का आत्मा दाऊद की सहायता करता है और वो इन पांच चिकने पत्थरों को उठाकर प्रयोग करता है और परमेश्वर उसमें मसा करता है, और परमेश्वर के मसा और अनुग्रह से वो भीमकाय व्यक्ति ढेर हो जाता है, एक जायंट व्यक्ति, भीमकाय हो सकता है 8 फुट का लंबा हो, बड़े बड़े विशाल काय व्यक्ति जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है कि वे लोग थे। और दाऊद एक नाटा बौना लगभग एक किशोर जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उससे लड़ने के लिए जाता है, वो परमेश्वर के बल के साथ उससे लड़ने के लिए जाता है। आज हम कैसे इन भीमकाय परिस्थितियों से हम कैसे लड़ते हैं, कैसे जूझते हैं? ये भीमकाय परिस्थितियां हो सकता है आपके जीवन में किसी कष्ट के रूप में हो, किसी दुर्घटना के रूप में हो, हो सकता है किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां जो एक बहुत बड़े पहाड़ के जैसे आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और आप उन्हें देखते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें दाऊद के जैसे परमेश्वर को अपने साथ रखना होगा।
परमेश्वर को साथ रखने का मतलब है उसके वचन को अपने हृदय में संजोकर रखना होगा और हमारा विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों इन परिस्थितियों पर हमें विजय दिलाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इन वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, उत्साह आ जाए, उत्साह आ जाए। हालेलुया। 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 तो अधिकांशता प्रियजनों इंसान निराश हो जाता है जब ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आने लगती है जो कि एक पहाड़ के समान हो सकती हैं और इस प्रकार के भीमकाय मनुष्य के जैसे आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डरना नहीं परंतु प्रभु का वचन जो आत्मा की तलवार है लेकर चलना और इन परिस्थितियों का सामना करना और शैतान आपके सामने से भागेगा। और बाइबल ये कहती है कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। आमेन। आमेन। तो आशीष हमारे जीवन में आती क्यों नहीं, इस प्रकार का विश्वास जागृत होता क्यों नहीं, हम इस प्रकार से उत्साह लेकर आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हैं, क्यों हमारे जीवन में असमंजस रहता है? क्योंकि हम बहुत सी चीजों के विषय में चिंता करते हैं, हम इन भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमारा एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, उसको छूने का, उसको अनुभव करने का अभी तक हम लोगों में कोई ऐसा विचार शायद पूरा नहीं हुआ है कि हम उसको अनुभव कर सकें, उसको देख सकें। क्योंकि जिन्हें वो मिल जाता है वो चुप नहीं बैठते हैं, जिनके जीवन में वो आ जाता है वो चुप नहीं बैठते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यदि हमें ईश्वर की खोज करनी है तो प्रियजनों हमें उसमें निरंतर बढ़ना होगा और इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हमें अपनी बुद्धि पर नहीं परंतु परमेश्वर की बातों पर ध्यान करना होगा। इसलिए मैंने आपके लिए गीत गाया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, जब मैं ये कह रहा था कि हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तो प्रभु ने कहा कि तू अपनी बुद्धि पर क्या मत कर, भरोसा मत कर, मेरी बातों पर ध्यान लगा, अपनी सोच मत लगा। आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी सोच लगाते हैं, ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, हम ऐसा करेंगे। लेकिन कोई भी ईश्वर की इच्छा बाइबल के वचन के अनुसार पूरी करना नहीं चाहता है। ईश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं के विपरीत हैं। बाइबल कहती है पवित्रता की साधना करो, विश्वास की साधना करो, शांति की साधना करो। बाइबल कहती है पश्चाताप करो, बाइबल कहती है प्रेम करो, बाइबल कहती है सेवा करो, बाइबल कहती है घमंड मत करो। आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है ईसा मसीह के नाम पर कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। ईश्वर की यह इच्छा है कि हम उसे खोजें, ईश्वर की यह इच्छा है कि हम बड़े उत्साह के साथ उसके पास लौटें। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि हम उत्साह के साथ प्रभु के पास लौटें, पूरे उत्साह के साथ। लेकिन हम इन बातों को करने में असमर्थ हैं, हम अपनी सोच लगा के चलते हैं, हम अपनी कमाई पर भरोसा करते हैं, हम अपने धन पर भरोसा करते हैं, हम अपनी चीजों पर भरोसा करते हैं, हम अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि हम फेल हो जाते हैं, यही कारण है गोलियत फेल हो गया प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसे अपने भीमकाय शरीर पर भरोसा था। उसने सोचा कि वह सबको मार डालेगा, उसने सोचा कि उसकी तलवार में इतना दम है कि जो सारे इसराइलियों को खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों जिसके साथ है वो विजयी है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक विशेष बात जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो ये कि हम अन्य लोगों को तुच्छ समझते हैं,
जिस तरह की यहूदी नाकेदारों को पापी मानते थे और अपने आप को बहुत धर्मी मानते थे, नाकेदारों से घृणा करते थे, प्रियजनों वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाए। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:2 और उसके दूसरे भाग में कि लोग तुम्हें जीवित कहते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है वो बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डालो और मैं तुम्हें आवरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। मैंने तुम्हारे आचरण को ईश्वर की दृष्टि में क्या पाया है? अपूर्ण पाया। इसी कारण हम ईश्वर के आशीर्वाद से क्या हैं? वंचित हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर को मौका नहीं देते कि वो हमारी ओर से युद्ध लड़े, क्योंकि हम अपनी बातों में लगे हुए हैं। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 9:20 में प्रभु का वचन ये कहता है, यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहरता, यदि मैं निरपराध होता तो भी मैं अपराधी सिद्ध होता। मनुष्य स्वभाव से भी कमजोर है, इसीलिए हम लोग क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? पूर्ण बनने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम स्वभाव से कमजोर हैं। इंसान का मन बचपन से बुराई की ओर है, इंसान का हृदय जिसमें से प्यारे भाइयों और बहनों बुराई निकलती है, भलाई भी निकलती है, उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, उसको परफेक्ट करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3:12 में कि प्रभु का वचन ये कहता, संत पौलुस लिखता, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। बोलिए आमेन, आमेन। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वो हर काम में पूरे हैं, धार्मिकता में भी पूरे हैं, सब चीज में पूरे हैं, दशमांश में भी पूरे हैं, ऐसा नहीं सोचना, फिर भी हम में इम्परफेक्शंस हैं। और संत पौलुस का ये वचन हमारे लिए सार्थक है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3, अध्याय 3 पद संख्या 12। मैं ये नहीं कहता, मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक, कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ, यह सब कर चुका या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए, मेरी पकड़ में आ जाए, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है, अधिकार में लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो वह लक्ष्य हमारी पकड़ में आना है जिसके लिए ईसा ने आपको बुलाया, चुना है, आपको बुलाहट प्रदान की है, वो हमारी पकड़ से बाहर है अभी, इसलिए निराश नहीं होना, थकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। संत पौलुस जिसे प्रभु ने दमिश्क के रास्ते में दर्शन दिए और उसे बुलाया, उसे बुलाहट प्रदान की, वो संत पौलुस ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ या मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, नहीं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं उस लक्ष्य के पीछे दौड़ रहा हूँ जो मेरी पकड़ से दूर है और मैं चाहता हूं कि वो मेरी पकड़ में आ जाए, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। हम सब बार बार वही गलतियां करते रहते हैं, इसलिए आशीर्वाद से हम वंचित रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का मसा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए हम कभी कभी गलत बातें करते हैं, हम बहुत अपने आप पर गर्व करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारी पवित्र बुलाहट यह है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों पर विश्वास करें और वो आपको विजय दिलाएगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जहां पर स्वयं परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता, उनके आगे आगे चलता है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाते वक्त वो उनके सामने बादल के खंबे के रूप में चला। देखिए परमेश्वर का महान कार्य, उसका अनुग्रह, अपने लोगों को बचाने के लिए वो बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता रहा।
फिराउन की सेना अपने रथों और घुड़सवारों के साथ उनका पीछा कर रही थी, तो बाइबल कहती है कि वह एक अंधकार के बादल के रूप में इसराइलियों के पीछे आ गया और उस जगह पर अंधकार हो गया और मिस्रियों की सेना उसे देख नहीं पाई और उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाई। मूसा से कहा कि जाओ और तुम खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े रहना, मेरी नजात के काम देखना, तुम मेरे चमत्कारों को देखना, बस तुम अपना डंडा इस समुद्र के ऊपर लहराओ। और परमेश्वर ने रात को, प्यारे भाइयों और बहनों, पूर्वी आंधी चलाई, इतनी जोर से आंधी चलाई कि पानी दो भागों में विभाजित हो गया। अब आप सोचिए, क्या एक साधारण हवा पानी को दीवार के रूप में खड़ा कर सकती, क्या वो रास्ता बना सकती है? वो परमेश्वर जिसका कहना आसमान, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र, पर्वत, नदियां, ऋतुएं सब मानती हैं, समुद्र ने, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कहना माना और वो दो भागों में विभाजित हो गया और वहां से रास्ता बनाया और वो रास्ता, प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली पार करके आगे निकल गए हैं। ये परमेश्वर की नजात के काम थे। ये काम वो मेरे और आपकी जिंदगी में भी कर सकता है, करता है। जो विश्वास करते हैं वो अपनी जिंदगी में चमत्कार देखते हैं। सो देयरफॉर द डिवाइन कॉल फॉर द बिलीवर्स इज दिस, मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए पवित्र बुलाहट क्या है, इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:3, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो। तुमने जो शिक्षा सुनी, जो स्वीकार की, उसे क्या करो, याद रखो। ये पवित्र बुलाहट है। दिस इज द डिवाइन कॉल फॉर द बिलीवर्स। वट एवर यू हैव हर्ड, वट एवर यू हैव लिसन, वट एवर यू हैव एक्सेप्टेड, रिमेंबर ऑलवेज। आज्ञा पालन करो और पश्चाताप करो, यदि तुम नहीं जागोगे तो कहता है, मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो पवित्र बुलाहट क्या है? पवित्र बनना, विश्वास करना, जो शिक्षा सुनी उसको ग्रहण करना, गवाही देना, परमेश्वर के नाम की गवाही देना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें मुक्ति प्रदान करेगी। बोलिए आमेन। आमेन। इसलिए यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 35:15 में हम पढ़ते हैं कि अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आचरण सुधारे और दुराचरण को त्याग दे। हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, परमेश्वर यर्मिया नबी के द्वारा ये कहना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने आचरण को सुधारे और क्या करे, दुराचरण त्याग दे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं अपना आचरण सुधारूंगा, दुराचरण त्याग दूंगा। हालेलुया। कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा हूँ। यदि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, नित्य प्रतिदिन संध्या और सुबह जब हम इस वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो वो हमारे घर में आता है वचन सुनाने के लिए। और वो कहता है, देखो बेटा, अपना आचरण सुधार लो, दुराचरण त्याग दो, झूठ बोलना छोड़ दो, हत्या करना छोड़ दो, पराए धन का लालच करना छोड़ दो, मेरी आराधना करना शुरू करो, प्रभु का दिन पवित्र रखो। देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, देखो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अन्यथा मैं इस घड़ी आऊँगा जिस घड़ी को तुम नहीं पहचानते। संत पौलुस कहता है, ये दिन बुरे हैं, ईश्वर की बातों को जो प्रिय हैं उसका पता लगाते रहें, अन्यथा वो इस घड़ी आएगा जिस घड़ी को हम नहीं पहचानते। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6:1 में हम पढ़ते हैं कि आओ हम ईश्वर के पास लौटें, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया, अब वही हमें चंगा करेगा।
आओ हम ईश्वर के पास लौटें। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6:1। कितने ही लोग हैं प्रियजनों जो ईश्वर से बहुत दूर हैं। ईश्वर से दूर होने का मतलब है जो पवित्र शास्त्र की बातें नहीं मानता वो ईश्वर से दूर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और वो ईश्वर का मन है, उसमें ईश्वर की बातें हैं, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर के शब्द हैं जो हमें चंगा करते हैं। और यदि कोई उसको नहीं मानता, नहीं जानता, अंगीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो प्रियजनों वो ईश्वर से बहुत दूर है। इसलिए होशिया नबी ने कहा, आओ हम ईश्वर के पास लौटें, आओ हम प्रभु के पास लौटें, दुगने उत्साह के साथ, 10 गुना उत्साह के पास उसके पास लौटे। योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हम अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय फाड़ कर, अपना हृदय खोल कर, एक एक बात जो हृदय में अंधकार रूपी बात, जो षड्यंत्र रूपी बात और जो गलत विचार जो छुपे, उसको निकाल कर हम प्रभु का मन, उसके वचन, उसकी बातों को ग्रहण करें और उसके पास लौटें और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर जैसा वादा करता है उसे वैसा ही पूरा करता है। ईश्वर जैसा वादा करता है उसे वैसा ही पूरा करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जो वादे मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किए हैं, जब तक मैं उन्हें पूरा ना कर दूं, तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता रहूंगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 28 में तीरुस के शासक के अहंकार के विरुद्ध प्रभु बोलता है। तीरुस के शासक के अहंकार के विरुद्ध प्रभु बोलता है और कहता है कि प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र तीरुस के शासक से ये कहो कि प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूं, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि तुम निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हां, तुम दानियेल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना तुमने एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। प्रभु ने एजेकियल से कहा कि तीरुस के शासक के विरुद्ध तुम ये भविष्यवाणी करो, उससे ये कहो, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया है। तीरुस के राजा ने व्यापार कौशल में वो निपुण था, इसलिए उसने सोना चांदी एकत्र कर लिया और अपने आप को वो ईश्वर की बराबरी करने लगा, दूसरों को तुच्छ कहने लगा। तो ईश्वर उसके विरुद्ध बोलता है और कहता है कि प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथ पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि तुम निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर बेखतना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, यह प्रभु की वाणी है। देखिए परमेश्वर के शब्द, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो आपको छोड़ देता है तो प्रियजनों हमारे जीवन में उस वक्त सर्वनाश शुरू हो जाता है। जब वो अपना आशीष भरा हाथ
जो बचाने में समर्थ है पीछे कर लेता है तो वह हम अपने शत्रुओं के हाथ में पड़ जाते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर के साथ रहना है तो दुराचरण छोड़ना होगा, अहंकार त्यागना होगा, क्रोध छोड़ना होगा, घमंड त्यागना होगा और परमेश्वर के वचन को अपना शस्त्र बनाना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर युद्धाश्व की शक्ति से प्रसन्न नहीं होता, वो तो दीनहीन पश्चातापी हृदय को स्वीकार करता है और वो स्वयं उनकी ओर से युद्ध लड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पिछली बातें भुलाकर बाइबल हमें कहती है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, पुराना सब कुछ भूलकर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, वो आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा क्योंकि ये उसका वादा है और जो वो कहता है उसे वो पूरा करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 में कि इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट मेक्स यू रिच, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है जो कि आपको धनी बनाता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके परिवार को उन्नति दिलाता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको संतों की श्रेणी में ले चलता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको बुद्धि बल और हर चीज प्रदान करता है। प्रियजनों, इसलिए आज हम प्रभु से वादा करें कि प्रभु हम आपके पास आ रहे हैं, जैसे आप मूसा के साथ थे, हारून के साथ थे, दानियल के साथ थे, अपने नबियों के साथ थे, हमारे साथ भी रह जाइए। आज हमारे घर को ब्लेस कीजिए, आज की रात्रि हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी चौखटों और बिछौनों को ब्लेस कर, आज के वचन हमारे जीवन में उद्धार का कारण बन जाएं, हम इन वचनों को स्वीकार करने वाले बन सकें और तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर आप अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आज की रात्रि आप लोगों को आशीष प्रदान करेगा, ब्लेस करेगा, आपके बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं, जिन पर बंधन लगे हुए वो टूटेंगे। पवित्रता के लिए मेहनत करते जाना, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेहनत करते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। पैसा काफी नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है, धन और भौतिक चीजें काफी नहीं है, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है, बच्चे होना काफी नहीं है, उन बच्चों पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है और ईश्वर के आशीर्वाद की खोज करते जाएं। वर्क फॉर योर अनॉइंटिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने अपने अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, अपनी अपनी अनॉइंटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना करें, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते जाएं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग शायद बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं, बेड रिडन हैं, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां हैं। जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू हैं, समर्पित करना, समर्पित करना। परमेश्वर हमारी अड्डियों को आराम देने वाला परमेश्वर है, घावों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करेगा, उसने हमें घायल किया वही हमें चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको आशीष दे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें।